न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी की साइबर टीम के हत्थे चढ़ा ब्लैक टी शर्ट पहने सीधा साधा सा दिखने वाला ये शख्स दरअसल एक शातिर ठग है जो लोगों को फोन कॉल पर उन्हें मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करता था। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। पकड़े गए इस शातिर ठग से पुलिस ने 28,60,000 रुपये, 6 ATM, 10 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 2 बैंक पासबुक और 2 चेकबुक बरामद की हैं। DSP जमाल खान ने पत्रकारों को बताया कि करीब 2.5 माह पूर्व कोसली के रहने वाले रविंदर नामक व्यक्ति के पास एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले शख्स ने उससे कहा कि यदि वह अपनी ज़मीन या मकान की छत पर मोबाइल टावर लगवा ले तो उसे काफ़ी मुनाफा हो सकता है, जिसके बाद उसने रविंदर से टावर लगाने के नाम पर 7.5 लाख रुपये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए। कई दिन बीतने के बाद जब टावर लगाने वाले शख्स ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो पीड़ित रविंदर ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर टीम गठित की गई और आशीष नाम के इस मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DSP ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इसके बाकी साथियों तक भी पहुंचा जा सके। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। साइबर थाने की जो टीम है जिसमें इंस्पेक्टर ऋषिकांत है, उनकी टीम है, 4-5 लड़के उसमें अलग से हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। जो एक मुकदमा था कोसली थाने का, रविंद्र नाम का एक आदमी था, उसके पास एक फ़ोन आया और उस फ़ोन वाले ने उसको कहा कि भाई आपकी ज़मीन पे हम मोबाइल टावर लगवाएंगे और उससे आपको काफ़ी इनकम हो जाएगी। तो उसको झांसा दे करके रविंद्र जो कोसली का रहने वाला था उससे 7.5 लाख रुपये उसने हड़प लिए। तो इस संबंध में SP साहब ने दिशा निर्देश देकर के साइबर क्राइम की एक टीम जो हमारे थाने में पहले से नियुक्त है को निर्देश दिए और उन निर्देशों अनुसार हमारी टीम ने काम करते हुए हिसार से एक आरोपी को हमने, जो मेन आरोपी था इसमें, उसको गिरफ्तार कर लिया है। जिस आरोपी का नाम आशीष पुत्र है और जो प्रॉपर हिसार का ही रहने वाला है, जिससे हमारी टीम ने तकरीबन 28 लाख रुपए बरामद किए हैं। 28 लाख से भी ज़्यादा हैं, 28,60,000 रुपए के करीब हमने बरामद किए हैं और उससे 10 मोबाइल, 1 लैपटॉप और कुछ बैंकों के पासवर्ड और बैंकों की पासबुक वगैरह कुछ बरामद हुई है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसकी टीम का हम पता लगा लेंगे इसके साथ कौन कौन है और जल्दी बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। उम्मीद है कि इस आदमी से हमें काफ़ी मुकदमे सुलझाने में कामयाबी मिलेगी और जो दूसरे डिस्ट्रिक्टों से भी इसने फ्रॉड किए हुए हैं वो भी हम क्लियर कर देंगे जल्दी ही। शुरुआती जांच में किस प्रकार ये अंजाम दिया करते थे अपने इसको? ये लोगों को टेलीफोन कॉल करके और उनसे कहते थे कि भाई आपके गांव में, आपके शहर में इस टावर की जरूरत है, अगर आपके पास कोई छोटी मोटी ज़मीन है, आपका मकान है, उस पर हम टावर लगवा देंगे। तो आदमी उस लालच में आकर के उनसे यस कर देता था और उसको फिर ये तरह तरह के प्रलोभन दे करके और उससे पैसे अपने डिपॉजिट में डलवा लिया करते। तो अभी तक कितने लोगों के साथ ऐसा किया है? अभी तक हमारे पास जो एक मुकदमा हमारा है ये ही क्लियर हुआ है और हमारे पास और जो इनकी डिटेल अभी इसके लैपटॉप से हम निकलवाएंगे तो उससे सारे मामले खुल जाएंगे क्लियर। रेवाड़ी का कौन सा मुकदमा? ये कोसली का मुकदमा है। हाँ, ये 7वें महीने में दर्ज हुआ था तो वो हमने ट्रेस कर दिया है और उसी मुकदमे में हम इसके पीछे लगे हुए थे, उसी में इसको अरेस्ट किया गया। तो इससे किस तरह से की थी इसने वारदात? क्या इसको पहले फ़ोन किया, फिर पैसे कैसे ट्रांसफ़र हुए? पैसे बैंक के द्वारा ही बैंक में डलवाए गए हैं। ये आदमी को पहले झांसा दे करके कहते हैं कि इतने पैसे आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे और तब आपका ये टावर लगेगा। तो ये पूरा अमाउंट इसी ने डिपॉजिट? नहीं, इसके साथ और भी कई लोग हैं जिनके नाम मैं अभी आपको खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन जल्दी ही हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। क्या बात है सर, क्या हरियाणा भी या अदर स्टेट में भी इसने इस तरह से वारदात की? संभावना है कि अदर स्टेट में भी इसने की होंगी। कितने दिनों से कर रहे थे ये? काफी 2 साल से लग रहा है। ओके, रिमांड पर लेंगे? हाँ, आज इसको हम पेश करके और पुलिस रिमांड प्राप्त करेंगे इसका।